हेलो फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? देखिए दोस्तों, आज मेरे पास में वीवो के फ़ोन हैं, सेम मॉडल दोनों फ़ोन हैं। वीवो V15 प्रो, V15 प्रो फ़ोन हैं दोनों। और एक फ़ोन हमारा बिल्कुल ओके है और दूसरे फ़ोन के अंदर हमारी चार्जिंग प्रॉब्लम है। तो जो ओके है, पहले मैं उसमें आपको चार्जर लगा कर चेक कराता हूँ। ये मैंने इसमें चार्जर लगाया और चार्जर लगाने के बाद में ये देखिए, ये जो मैंने चार्जर लगाया है दोस्तों, इसके अंदर चार्जर डुअल इंजन फास्ट चार्जिंग लिखा हुआ आ रहा है। और इसके अंदर चार्जिंग के पास में ये हमारा जो चार्जिंग लोगो है, ये येलो कलर का हो जाता है। तो इसका मतलब ये है, इसके अंदर फास्ट चार्जिंग हो रही है। और सेम चार्जर दोस्तों, ये मैंने सेम चार्जर निकाला और ये दूसरे फ़ोन के अंदर लगाया। और दोस्तों इसके अंदर चार्जिंग तो होती है दोस्तों, पर इसमें हमारी फास्ट चार्जिंग नहीं होती है। तो यही इसके अंदर प्रॉब्लम है। सेम चार्जर है हमारा, और तो हम इसके अंदर ये देखेंगे कि इसमें फास्ट चार्जिंग क्यों नहीं हो रही है। जिसमें फास्ट चार्जिंग हो रही है, ये मैं फ़ोन अलग निकाल के रख देता हूँ। और अब मैं इस फ़ोन को ओपन करके देखता हूँ कि इसमें फास्ट चार्जिंग क्यों नहीं हो रही है। तो ये मैंने इसको ओपन कर लिया है दोस्तों, और ओपन करने के बाद में अब मैं इसका ये चार्जिंग जो बोर्ड है, ये चार्जिंग बोर्ड इसका निकालूंगा। तो इतने में इसका बोर्ड निकाल लेता हूँ दोस्तों। इतने आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चार्जिंग बोर्ड निकालने के लिए आप ये चार पत्ते लगे हुए हैं इसके अंदर। तो ये पत्ता निकालने से पहले इन पत्तों का बहुत ख़ास तौर से ध्यान रखना है। ये चार पत्ते हैं हमारे और ये नेटवर्क वायर है। ये बहुत कीमती वायर होती है दोस्तों। अगर इसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आपके नेटवर्क प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो जाती है फ़ोन के अंदर। और ये हमने चारों पत्ते निकालने के बाद में हमने ये चार्जिंग बोर्ड अलग निकाला, और ये चार्जिंग बोर्ड हमारे पास में अब हमने फ़ोन अलग साइड में रख दिया है निकाल कर। और ये देखिए दोस्तों, इसके अंदर हमारी चार्जिंग इसलिए नहीं हो रही है कि इसके अंदर एक जुगाड़ वाला जैक लगा हुआ है। तो सबसे पहले तो हम इसका चार्जिंग जैक चेंज करेंगे। चार्जिंग जैक चेंज करने के बाद में फिर हम चेक करेंगे पहले, और अगर फिर भी अगर चार्जिंग नहीं होती है, फास्ट चार्जिंग नहीं होती है, तो फिर उसके बाद में हम आपको अगला स्टेप दिखाएंगे, बताएंगे कि फास्ट चार्जिंग कहाँ से हमें और करनी है। तो सबसे पहले हम ये जैक चेंज कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो इसके अंदर जैक लगा हुआ था, ये मैंने जैक इसमें से निकाल लिया है। थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, और ये वाला जैक लगा हुआ था, ये मैंने जैक निकाल दिया है। और अब मैं इसके अंदर ओरिजिनल जैक लगाऊंगा। ये हमारा वीवो V15 प्रो का ओरिजिनल जैक है। ये रहा, बिल्कुल जेन्युइन जैक है ये। और ये मैं अब जैक इसके अंदर लगाऊंगा। ओरिजिनल जैक की पहचान भी बताया दूँ मैं दोस्तों आपको। एक तो देखिए, लगाते ही आपका बिल्कुल फिटिंग एकदम बिल्कुल परफेक्ट आएगी। हर पॉइंट के ऊपर आएंगे, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ये काम करेगा। और पहले मैं ये जैक लगा लेता हूँ इसके अंदर, फिर आगे का प्रोसेस देखते हैं क्या करना है।
जैक लगाते वक्त दोस्तों एक एक पॉइंट का आप बिल्कुल ध्यान रखें, आपको सारे पॉइंट बिल्कुल सही करके सोल्ड करने हैं ताकि कोई इसमें लूजिंग नहीं हो। और जो फास्ट चार्जिंग आएगी आपकी वो तभी आएगी दोस्तों जब आपके सारे पॉइंट प्रॉपर बोर्ड से कनेक्ट होंगे, तभी फास्ट चार्जिंग आपकी शो करेगा। तो ये हमने देखिए इसको बिल्कुल जैक लगा दिया है और अब हम इसको थोड़ा वॉश करके और पैक करेंगे फ़ोन को, फ़ोन को फ़ोन में लगा कर फिर आपको चेक कराते हैं। ये मैंने जो चार्जिंग बोर्ड था वो मैंने फ़ोन के अंदर फिट कर दिया है और अब मैं इसके अंदर चार्जर लगाकर चेक करूँगा कि इसकी क्या कंडीशन है। तो ये चार्जर तो इसमें हमारा लग चुका है, पर अभी भी दोस्तों इसमें फास्ट चार्जिंग नहीं आ रही है। ये दोस्तों अभी जो है मैंने इसको ऑन पर ही इसके पत्ते वगैरह लगाए हैं तो इसलिए अभी ये चार्जिंग का इसमें पता नहीं लग पा रहा है कि फास्ट चार्जिंग हो रही है या नहीं हो रही है। अब मैंने इसको रीस्टार्ट किया है, अब ये फ़ोन एक बार रीस्टार्ट कर लेता हूँ। रीस्टार्ट करने के बाद में फिर देखते हैं, एक बार रीस्टार्ट हो जाएगा फ़ोन तो उसके बाद तो रिस्टार्ट होने दीजिए पहले से। ये मैंने फ़ोन चार्ज रिस्टार्ट किया है, फ़ोन देखिए, और रिस्टार्ट करने के बाद में मैंने चार्जर लगाया और चार्जर लगाते ही आप देख सकते हैं इसके अंदर फास्ट चार्जिंग का लोगो आ चुका है। तो इसका मतलब ये है इस फ़ोन के अंदर फास्ट चार्जिंग स्टार्ट हो गई है और अब इसमें फास्ट चार्जिंग होगी हमारी फ़ोन में, तो फास्ट चार्जिंग होगी तो फ़ोन जल्दी चार्ज हो जाएगा। और देखिए दोस्तों यहाँ पर आप देख भी सकते हैं लिखा हुआ भी आ गया है डुअल इंजन फास्ट चार्जिंग। तो इस तरीके से अगर आपके फ़ोन में फास्ट चार्जिंग नहीं हो रही हो तो इस तरीके से आप फास्ट चार्जिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।